हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक किलकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और कोच हूँ। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना अंतर्मन जो है, अजागृत मन, सबकॉन्शियस माइंड और सक्सेस, सफलता, इसका क्या संबंध है। पता चलेगा कि हमको सभी व्यक्ति को, किसको भी पूछा जाए, उसको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। एक वांट्स बहुत है, चाहिए, चाहत बहुत है, उसको सफल होने का है। मगर सफल होने के लिए जो भी करना चाहिए वो करने की उसकी इच्छा नहीं है। वो एक्शन, वो कृति करने की उसकी इच्छा नहीं है। चाहिए सब कुछ, पैसा चाहिए, धनवान बनने का है, धंधा अच्छे चलना चाहिए, रिलेशनशिप, रिश्ते अच्छे चाहिए, बच्चे बड़े होके बहुत बड़े बनने चाहिए, उनका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। चाहत तो बहुत बड़ी है। उनको पूछता हूँ कि आपकी चाहत सिर्फ है या आपकी वांट है, क्या आपको सचमुच चाहिए? आप अपने आप को पूछो कि आपको सचमुच चाहिए क्या। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूछो, आपके अंतर्मन को पूछो, क्या सचमुच ये मुझे चाहिए, इसे मुझे बार बार से लगता है कि नहीं मुझे चाहिए। मैं हरदम बोलता हूँ, यदि आपकी सच्ची चाहत है, वो यदि आप एकदम फुल्ली उसके लिए वचनबद्ध हो, प्रतिबद्ध हो, और वो अंतर्मन में पक्का बैठा हुआ है, अंतर्मन उसने प्रोग्राम किया हुआ है कि नहीं वो तो चाहिए मुझे, तो आपको वो पक्का मिलेगा। क्योंकि अभी तक आपकी जिंदगी में आपने जो चाहत की थी, ये चाह था, और आपके आप उसके प्रति वचनबद्ध थे, वो आपको मिली है। तो अभी आपको ये नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ अभी आपको नहीं मिल रहा है, वो यदि वो नहीं मिलता है, तो आप उसकी उसके प्रति आपका अंतर्मन जो है या आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसके प्रति वो कटिबद्ध नहीं है, वचनबद्ध नहीं है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में बार 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 हैमरिंग करना पड़ेगा, बार 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 जताना पड़ेगा, बार 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 उसके ऊपर उसको मतलब खुद से खुद को शेयर करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ेगा। और वो बार 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 प्रोग्रामिंग जो है अंतर्मन में, वो होता है हिप्नोसिस के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से, हिप्नोटिज्म। दूसरा होता है कि एनएलपी के माध्यम से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के माध्यम से। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज के माध्यम से ब्रेन के ऊपर प्रोग्रामिंग करना, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रोग्रामिंग करना। तो वो यदि करते हैं और वो यदि चाहत, वो यदि बीज सबकॉन्शियस माइंड में बोया जाए, वहाँ यदि वो पक्का बैठ जाए, तो फिर आदमी कुछ भी कर लेगा। तो भी हमको ये देखना है कि हमको जो भी चाहत है वो सचमुच मैं उसके लिए कमिटेड हूँ क्या, मैं उसके लिए वचन देने को तैयार हूँ क्या, मैं उसके लिए शब्द देने को तैयार हूँ क्या, क्या मैं प्रतिबद्ध हूँ क्या, और नहीं तो फिर उसको एनएलपी के टेक्निक्स के माध्यम से या सम्मोहन के माध्यम से उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना, बार 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 स्व सम्मोहन करो, उससे डालना, और एक बार वो वहाँ पक्का बैठ गया कि सफलता आपके पैर छू लेगी, पक्का सक्सेस मिलेगी।